ग्रैंडपा यहाँ देखिए, मेरी कैंप फायर के बारे में डाउनलोड की गई इन्फॉर्मेशन काम आ गई। शुरुआत अच्छी रही। बेन, हमें डिनर के लिए उस आग की जरूरत थी। टेंशन नहीं लेने का, एक नासमझ अगर इस आग को जला सकती है तो एक सुपर हीरो तो झटके में ही से। हीरो नहीं चलेगा बेन, अब ये आग बेन ही जलाएगा। खाना तभी बनेगा जब तुम ये काम कर लो। ये रहा, अब मुझे थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है और फिर ग्रैंडपा को पता नहीं चलेगा तो नाराजगी कैसी। ये हुई ना बात। बेन ने देर कर दी। अब मैं जल्दी से बेन बन जाता हूँ। नो! अरे वाह, क्या आग लगाई है। मैं जानता था बेन। बेन, बेन, कहाँ गए तुम? डिनर तैयार करना है। वापस आ जा, वापस आ जा, जल्दी जल्दी, ज्यादा वक्त नहीं है। आग कहाँ लगी है? चोर आखिर कब तक खैर मनाएगा? उस आग को बुझाओ और फिर से शुरू हो जाओ। पर ग्रैंडपा, मुझे बहुत भूख लगी है। पता है अगर इसके भरोसे रहे तो नाश्ता मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये तुमसे किसने कहा? गए काम से। ग्वेन, हे, सो गई क्या? अब उठ गई। ग्रैंडपा के खराटे परेशान कर रहे हैं, सो ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या करूँ। ये लो, इसे रखो। टिश्यूज? अब भला इनका मैं क्या करूंगा ग्वेन, छींक छींक के सो जाऊं क्या? उन्हें अपने कान में डालो बुद्धू। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो वाकई काम कर रहा है। ऐसे खर्राटों से बचने का एक ही इलाज है, चांदनी रात में खुले में सोने का मजा ही कुछ और है। चांदनी रात में बारिश कैसे हो गई? आम नम नम, डीप फ्राइड केचुए। अब और नहीं सहा जाता। अब मैं समझा, अभी ग्रे मैटर बनकर किसी शांत और सुकून भरी जगह जाकर छुप जाता हूँ। छिप जाओ। अरे नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? चैन और सुकून। इस बार भी मैं ही जीती। इसका मतलब अब पूरे हफ्ते मैं ही फ्रंट सीट पर बैठूंगी। ये चीटिंग है, मेरे कार्ड में तुम्हारे कार्ड के मुकाबले मुश्किल चीजें ढूंढनी थी। तुम्हारे बहाने हर बार ऐसे ही होते हैं, कोशिश करते रहो, अगली बार भी मैं ही जीतूंगी। तो क्या कहती हो ग्वेन, एक और गेम हो जाए, दो हफ्तों का दाव? तो तुम लगातार दो हफ्तों तक पीछे बैठना चाहते हो? तुम्हारी मर्जी। हाँ बस पहले जरा टॉयलेट से होकर आता हूँ। चलो चैंपियन, अब खेलते हैं। हे, वो देखो, रोस्टेड चिकन। शायद तुम्हारा लक इस बार काम नहीं करेगा। ओह,
वैसे इस खेल में धीरे धीरे ही मेरी पकड़ मजबूत होती है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा आखिरी आइटम वो वहाँ है। हंसों का झुंड, ये मेरा लास्ट आइटम था। मैं जीत गया। अरे यार, यहाँ तो मैंने बर्फ का पुतला रखा था, वो जरूर पिघल गया होगा। आहा, कितनी भी चीटिंग करो मुझसे नहीं जीत पाओगे। अब पिछली सीट पर तुम्हारा ही राज होगा। हाँ, मगर सिर्फ 2 हफ्तों के लिए, समझी? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें अब 1 महीने के लिए पीछे बैठना होगा। ओमनीट्रिक्स चीटिंग के लिए नहीं बना है। कहाँ फंस गया? ओह, उदास क्यों होते हो बेन? एक मौका है तुम्हारे पास, लगा एक और महीने का दाम। 2, 4, 6, 8 कर दूंगा तुमको कॉपी आज। क्या? हाइकिंग करो, एक वक्त में एक चीज, पसीना बहाओ। वाओ। शायद ग्रैंडपा फिर अपने आप से बात कर रहे हैं। बेन! क्या? उंगली खींचो। ये क्या हो रहा है? ग्रैंडपा की इतनी कॉपीज और सब के सब कम अकल हैं। ये किसने किया होगा? वो दो गंदे कीड़े, वक्त आ गया है कुछ जबरदस्त पेस्ट कंट्रोल का। हे, रुको! ग्रैंडपा, उसे नीचे उतारिए। वो तुम्हारा मतलब क्या है? कौन बेवकूफ ऐसी मशीन बनाता है जिसे रिचार्ज होने में वक्त लगता है? इसे पकड़ो, मुझे उस मॉन्स्टर के करीब ले जाओ, मुझे फिर उसे मिस नहीं करना है। आप जरा इस तरफ आ सकते हैं? यहाँ आइए प्लीज। हे, यहाँ पर आपको स्नैक्स चाहिए तो जाइए ले लीजिए। हिलना बंद कीजिए, मुझे 2-4 हाथों की जरूरत है। सॉरी, उंगली खींचो, मेरे सारे हाथ फिलहाल बिजी हैं। ओके, अब फ्री हो गया। क्या ये सारे मैक्स रिलैक्स नहीं कर सकते? शायद नहीं, उनका दिमाग इन सारी बॉडीज के अंदर बिखरा हुआ है। हमें उन बग ब्रदर्स को जल्दी ढूंढना होगा, वरना देखो वो रहा, हमले के लिए बिल्कुल सही पोजीशन में। देखो वो रहे, मैं मुसीबतों को संभालती हूँ, तुम वजहों को जाके पकड़ो। समझ गया, अभी पकड़ता हूँ। मेरी उंगली खींचो, उंगली खींचो, उंगली खींचो। जल्दी सिडनी, मुझे वो डिवाइस दो। हिलना मत, हिलना मत। रुको, क्या इसको में शायद कुछ गड़बड़ है। ये बहुत ही करीब है। मेरे ग्रैंडपा के साथ क्या किया है तुमने? यही जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, कॉपी और कमकल बनाना। बढ़िया किया बेन, लेकिन अब हमारे पास और भी ग्रैंडपास हैं। ध्यान से ठीक है ग्रैंडपास, अब सिर्फ आप दोनों बचे हैं, तो कौन है असली वाला? पता है, मदद करूंगा, मैं आखिरी वाले को इससे मारूंगा। तुम्हें नहीं लगता हमें ये सब रोकना चाहिए? मदद जरूर करूंगा, मैं मदद जरूर करूंगा। ग्रैंडपा, बहुत थक गया हूँ। ग्रैंडपा, अगले 1 हफ्ते तक ये धूल मेरे कपड़ों से नहीं जाएगी। देखो सिडनी, उन्होंने मेरे डुप्लीकेट्स तबाह किए, मेरा रे तोड़ दिया। आई एम सॉरी ऐसी हालत हो गई, लेकिन फिर भी हमें सुरंग खोदनी होगी। ऐसा नहीं होगा, तुम कीड़ों का खेल खत्म हो गया। बुरा मत मानो, लेकिन ट्रैफिक जैम की वजह से शायद हम कॉन्सर्ट में नहीं पहुंच पाएंगे। मान, ये ओरेगन सिटी है, कैलिफोर्निया नहीं। ये हो क्या रहा है? काश कोई साइंटिस्ट गाड़ियों का अपग्रेड करके उन्हें डबल डेकर बना देता।
मैं आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, रास्ता दो, लेफ्ट में चढ़ो। ये बहुत मजेदार होने वाला है, इंतजार नहीं होगा। मुझसे भी नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा। डस्ट इट ऑफ। क्या डस्ट करोगे, तुम पर धूल जमी है। नहीं, डीजे डस्टर का कॉन्सर्ट है ग्रैंडपा। किसका कॉन्सर्ट? डीजे बस्टर? डीजे डस्टर। मैं यहीं वेट करूंगा जब तक जेके गस्टर का काम खत्म ना हो। डीजे डस्टर। हाँ वही। ओह, साथ में ये ईयरप्लग्स ले जाओ ताकि तुम्हारे कान खराब ना हो। और याद रहे, आज अर्थ डे भी है। बात सिर्फ बीट्स एंजॉय करने की नहीं, प्लैनेट को बचाने की भी है। मैं तो हर रोज प्लैनेट को बचाता हूँ। रही थी कि डीजे डस्टर की बीट्स का जवाब नहीं, यकीन नहीं होता हम उसे लाइव देख रहे हैं और साथ में अर्थ डे भी मना रहे हैं। ओके। मुझे देखो, मैं एक्टिंग करके बात करूंगी। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या कह रही हो? क्या तुमने कहा कि तुम्हारे कानों में मैल जमा है? स्टेट ऑफ डांस में पॉइंटिंग नहीं किया जाता ग्वेन। स्पीकर, स्पीकर। क्या? स्पीकर। वो स्पीकर उस आदमी पर गिरने वाला है। वही तो मैं बता रही थी। एक मिनट, अब मैं तुम्हें कैसे सुन पा रहा हूँ? हम शायद एक नोड में हैं। जब दो साउंड वेव्स ओवरलैप होके कैंसिल होती हैं और एक डेड स्पेस बनती है। सॉरी, अभी साइंस का मूड नहीं है मेरा। फोर आर्म्स कहता है पेस को कम मत होने दो। थैंक यू रेड मैन, तुम्हारा जवाब नहीं। डस्ट इट अप, डस्ट इट अप। कहाँ पहुँचे हम? ऐसा लग रहा है मानो सदियों से इस वैन में बैठे हों। ग्वेन, देखो टेस्टी कैंडीज। क्या बात है, वैसे मेरी जेब में एक 10 का नोट तो था पर कहाँ गया? ये रहा, ये नोट किसी को चाहिए क्या? वो वाली टीसी लग रही है। ये क्या? ओह नो, आओ भी। ऐसे मौके पर मेरी मदद करना उसका ही काम है। बनने में जो मजा है वो किसी में नहीं। कहीं ना कहीं तो चिलर मिलना ही चाहिए, कुछ तो मिले। बदबूदार मोजा, ये हुई ना बात। बस समझो पहुंच गया। कितना हसीन नजारा है, मार्केट में नई कैंडी आई है। मदद करो, मजाक नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि 10 रुपए तुम जैसे पर क्यों खर्च करूँ, जरा महंगा सौदा है। दिमाग मत लगाओ और मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। लगता है कोई ललचा रहा है। वो मेरी है। कोशिश करते रहो बेन, कोई ना कोई तुम्हें जरूर खरीद लेगा। तुम कहाँ जा रही हो? ग्वेन, मेरी बात सुनो। ग्वेन, ग्वेन। अरे अरे, कोई रोको उसे, मेरा पर्स। कोई तो मुसीबत में है। बेन रुको। हे, रुको।
लिया नन्हे मुन्ने, तुम्हारी मम्मी को जरूर तुम पर नाज होगा। नाम तो बताओ। चुप क्यों हो, मुंह में जबान नहीं है? अच्छा अच्छा, माफ कर दो, भूल गई, तुम थक गए होगे, इतना भागे जो हो। इतना फुर्तीला बच्चा पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे तो बहुत घने बाल हैं। एक मिनट ग्रैंडपा, जरा वहाँ देखिए। तुम तो इतने हैंडसम हो कि सभी लड़कियाँ तुम पर जान छिड़केंगी। अब शर्माओ मत, आज के जमाने में तुम जैसे लड़के कम ही होते हैं। अरे नहीं, तुम्हें बिना इनाम के मैं नहीं छोड़ने वाली। इतनी भी क्या जल्दी है? एक मिनट चेक करती हूँ। आओ, बस इतना ही है, चलो ले लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर एक बात का। अरे तुम्हारे हाथ अचानक इतने पतले कैसे हो गए? इससे मुझे भी अपने जवानी के दिनों की याद आ गई। चलो मुझे मार्केट तक ले चलो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूँ। ये बात है 1937 की। हम सभी क्लेटा ब्राउन के घर में रहते थे, वो मेरी सहेली थी। चलो हम लंबे रास्ते से चलते हैं, तुम्हारे पास